Hey guys, hi students. So, आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में साल न्यू इंक्लूड हुआ है. सो सबसे पहले आप ये क्लियर करो, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से इतनी डरते क्यों हो. आई थिंक आपके क्वेश्चंस में से पूरे क्वेश्चन पेपर में से यही एक पार्ट है जो सबसे इजी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ये तो कोई अलग टॉपिक नहीं है, आप जो चीज आपको पता है जो आपके सिलेबस में उसी को एक नए फॉर्म में एक नए पैटर्न में आपके पास दे दिया कि ये लो बेटा इसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं. जैसे आप रोज आप ब्रेड खाते हो, बन खाते हो, सुबह आप सब्जी खाते हो, तो उसी बन के अंदर सब्जी डाल के दे दिया बेटा ये लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. आई मीन बेटा ये लो बर्गर खा लो, तो वो तो बड़े मजे से खाते हो, तो वही वाला है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. इसको भी बड़े मजे से सॉल्व करो. चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होता है, चलो हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखो आपके स्क्रीन पे एक देखो एक टेबल दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है आपके उसके जनरल फॉर्म, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके जो कोफिशियंट और हमारे जीरोस के बीच में जो रिलेशन होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए वगैरह वगैरह. सो ये सब चीज तो हमें पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ये भी एक फायदा है कि पहले से आपको ये देखो टेबल आपके पास गिवन दे दिया, ये देने के बाद फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है. सो क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन है आपके पास, जो आपका क्वेश्चन नंबर ए है, आपके पास क्वेश्चन दे दिया 3x² + 7x - 5. क्या कह रहे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, देन द सम ऑफ जीरोस. आपके पास कुछ ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सम ऑफ जीरोस. यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ax² + bx + c के फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द जीरो, सो दैट मीन्स रूट सम क्या मान लेते हैं इसमें, अल्फा बीटा. सो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा तो माइनस बी बाई ए, या अगर आप नहीं भी याद है आपके पास टेबल गिवन टेबल दे दिया. सो अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाई ए. सो यहाँ पे बी क्या है 7 और ए क्या है, ए क्या है 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस, ये तो बी है और ये तो ए है, दैट मीन्स -7/3. सो ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में है -7/3, देखो सेकंड ऑप्शन है आपका -7/3. सो हो गया. अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी, देखो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, मैं पॉलिनोमियल लिख रही हूँ. देखो x² + 99x + 127, ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो इसमें आपको क्या बताना क्या है कि इसके जो जीरोज है ऑप्शन है, ये क्या बहुत पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, या बहुत नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दैट मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है इस तरह से है, या बहुत इक्वल, या दोनों इक्वल है, या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव. सो देखो इस तरह से आप कौन सा ऑप्शन सही होगा. पहले तो इसके जो आपके कोफिशियंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वह हम देख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस बी यहाँ पे 99, ए यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स -19/1, दैट मीन्स आपका -99. ओके, माइनस में वैल्यू आया. अल्फा बीटा सी बाई ए, सी यहाँ पे 127, दैट मीन्स 127. अब देखो यहाँ से अच्छे से गौर करो, अल्फा प्लस बीटा आया आपका माइनस में और अल्फा बीटा आया आपका प्लस में, दैट मीन्स दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव में आ रहा है. ये कब पॉसिबल है, या तो दोनों ही नेगेटिव है तभी वो पॉजिटिव में चला जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके, या तो दोनों ही पॉजिटिव में है तभी वो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, ये पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ये तो नहीं होगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव या तो दोनों ही नेगेटिव. ठीक है, अब देखो ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दोनों को ऐड करके माइनस हो रहा है. अब दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी माइनस में आंसर नहीं आएगा, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, दो पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो नेगेटिव नहीं तो आएगा, दैट मीन्स दोनों ही नेगेटिव है. तो ऑप्शन देखो बोथ नेगेटिव कौन सा ऑप्शन में है, सो बोथ नेगेटिव, दैट मीन्स आपका ये भी सेकेंड ऑप्शन है. ठीक है, ओके. अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी रीड करो. द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा बीटा आपको फाइंड आउट करना है, एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है. ओके, सो देखो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रही हूँ,
आपका देख क्वेश्चन देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। सबसे इजी पार्ट है 2x² - 7x - 5, ये आपके पास क्वेश्चन है 2x² - 7x - 5। ओके, तो पहले देखो इसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यहाँ पे सी माइनस फाइव ए टू, दैट मीन्स माइनस फाइव अपॉन टू। देखो आंसर चेक करो, ऑप्शन चेक करो, माइनस फाइव अपॉन टू के पॉइंट में ऑप्शन है, दैट मीन्स इसको हमें डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड कर दो, दैट मीन्स माइनस 2.5। ठीक है, सो माइनस 2.5 आपका है थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ जीरोज दैट द पॉलीनोमियल एफ एक्स इज। ओके, इसमें कितने जीरोज है, इसके इसका रूट्स कितने हैं वो आपको बताना है। आपको क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट मीन्स जो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर डी, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है, दैट मीन जिसका हाइस्ट पावर टू है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, उसमें रूट्स कितने होते हैं, जीरोस कितने होते हैं, दो। और जो क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में है, उसमें हाइस्ट पावर थ्री है, तो उसके जीरोज होते थ्री। सो आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। सो देखो क्वेश्चन में लिख रही हूँ, यहाँ पे आपके पास है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन। ओके, सो इसको आपको कैसे पता चलेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट मीन्स थ्री टू सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस सेवन, देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, दैट मीन्स इसके कितने जीरोज है, टू। आंसर देखो टू कहाँ पर है, टू आपका देखो फोर्थ ऑप्शन है, टू, टू जीरोज आर पॉसिबल। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर फोर एंड, अच्छा सम आपको दे दिया फोर और प्रोडक्ट आपको दे दिया वन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके वेरी गुड, देखो सो आपके पास क्या दे दिया, पॉलीनोमियल आपके पास की भी नहीं है, आपको बता दिया जो पॉलीनोमियल है उसका जो सम है वो फोर है, जो जीरोज है उसके सम फोर है और उसका जो प्रोडक्ट है वो वन है, वो वन है। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो इस पॉलीनोमियल बस वैल्यू पुट करो, बस क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें लिख दिया, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, गिवन है ना, और अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, सो हो गया दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बस इतना इजी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।